अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफजल खान। आज मैं एक नुस्खा बताने वाला हूं, घरेलू नुस्खा, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, मतलब घुटनों में दर्द है या घुटनी में दर्द है या चेस्ट में पेन है या बैक में पेन है या कमर में दर्द है, ऐसी अगर कोई दर्द है या कहीं चोट मोच लग गई, समझ रहे हो, मोच लग गई कहीं हाथ पे, कहीं इंजरी हो गई है, तो ये पुराने से पुराने दर्द को ठीक करने के लिए मैं आपको एक तेल बताऊंगा, एक घरेलू नुस्खा, जिसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% आराम मिलेगा और इसे बनाना बहुत ही आसान होगा। ये चीज़ें आपके किचन में मिल जाएंगी, आपके घर में मिल जाएंगी और आप आराम से बना पाओगे। बनाना बहुत ही आसान है, बस आप सही से समझ लो। आप 20 मिनट के अंदर इस तेल को बना लोगे और पहले दिन से आपको रिजल्ट अच्छा देगा। तो आपको इस तेल में लेना है 10 ग्राम कलौंजी लेना है, 10 ग्राम मेथी लेना है और 10 ग्राम सौंठ लेना है, 10 ग्राम काला जीरा लेना है और 10 ग्राम आपको अजवाइन लेना है, लहसुन लेना है आपको 50 ग्राम और एक चीज और, तेल लेना है। तो ये तेल है तिल का तेल आप लेंगे 250 ml, ठीक है। अब इतना सब कुछ ले लिया तो इसमें ये जो काला जीरा अजवाइन वगैरह है, लहसुन और उसको तिल के तेल को छोड़ के बाकी जितनी चीज़ें हैं ये, इनको आप थोड़ा मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा कूट लेंगे, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाएंगे, हल्का सा कूट लेंगे। और जो लहसुन है उसको किसी पत्थर से कूच लेंगे, मतलब पीसेंगे नहीं, थोड़ा कूच लेंगे, उसके छिलके हटा के कूच लेंगे उसको। अब इन सब चीज़ों को अलग रख लेना है और जो तेल है, तेल को आपको किसी बर्तन में डाल के पकाना है, मीडियम आंच पे पकाना है। और जब वो तेल थोड़ा गर्म हो जाए, धुआं निकलने लगे तेल से, तो उसमें ये सारी जड़ी बूटियां डाल के धीमी धीमी आंच पे 15-20 मिनट पकाना है। जब ये आपको लगे कि ये तेल थोड़ा उबलने लगा है, ठीक है, जड़ी बूटियां नीचे तरी में लगी लगी काली हो गई हैं, हाँ एक चीज़ और, जब तेल कायदे से पकने लगेगा और जड़ी बूटियां डाल देंगे तो आप चम्मच की मदद से या किसी चीज़ की मदद से आप उसको तेल को थोड़ा चलाते रहेंगे, जिससे कि जड़ी बूटियों का जो पावर है वो तेल में कायदे से समा जाए, ठीक है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो तेल में बहुत अच्छे तत्व आएंगे उन जड़ी बूटियों के। फिर जब तेल पकते पकते जड़ी बूटियाँ जो आपने डाली हैं, मसाले डाले हैं आपने, वो जब थोड़ा काले पड़ने लगेंगे तो समझ लीजिए कि आपका तेल बन गया है और उसको उतार लें। उतारने के बाद ठंडा होने तक वेट करें और ठंडा होने के बाद आप किसी छन्नी, महीनी छन्नी जिसमें बहुत बारीक होता है, और या तो फिर आप कोई कपड़ा ले लें, दुपट्टा वगैरह, उसमें आप जो है किसी बर्तन में दूसरे छान लें। फिर छानने के बाद आप इसको किसी कांच के शीशे में रख लें या फिर प्लास्टिक की बोतल में भी रख सकते हैं, इसको रख लें और जहाँ भी दर्द है उस जगह पे आप थोड़ा सा हाथ पे लेकर उस एरिया पे मसाज करेंगे, धीरे धीरे मसाज करेंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट, इतनी देर करेंगे कि तेल थोड़ा जो है एब्जॉर्ब हो जाए चमड़ी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो बाहरी सपोर्ट है आपके जॉइंट्स को, आपके मसल्स को बहुत ही अच्छी मिलेगी और आपको रिलीफ मिलेगा पहले दिन से। ये तो हो गया बाहरी, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ जो आप मेडिकल स्टोर से खरीद लेना, उसे खाओगे तो जोड़ों को अंदर से ताकत मिलेगी जहाँ भी दर्द है आपको। तो इसमें आपको लेना है सिंहनाद गुग्गुल, एक सिंहनाद गुग्गुल आता है, डाबर वैद्यनाथ जैसी कंपनियों का आता है, वो टेबलेट आती हैं, उनको ले लेना है और इन टेबलेट्स को आपको सुबह शाम 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाना है। और एक टेबलेट और लेना है महायोगराज गुग्गुल, इसको आपको एक सुबह एक शाम को खाना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, ठीक है। और बाकी जो तेल मैंने बताया ना, इसको 2 टाइम आपको अप्लाई करना है उस एरिया में जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है, सूजन है, चोट है, मोच है, उस जगह पे अप्लाई करना है, फिर देखिए कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जब आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाए, जैसे कि अगर बहुत पुरानी है तो 15-20 दिन भी लग सकते हैं या 1-1.5 महीना भी लग सकते हैं, नया नया है 2-4 दिन का तो 2-4 दिन में ही ठीक हो जाएगा। तो जब प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए तो आपको इन चीज़ों को इस्तेमाल करना बंद कर देना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी हेल्प मिले होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मैं इस टाइप के वीडियो बनाता रहूं और आपको हेल्प मिलती रहे। और मुझसे अगर प्राइवेट बात करना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, जाइए, मैसेज करिए, कॉल बुक करिए और मुझसे बात करिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, टेक केयर।